क्या महाराष्ट्र पटगा में संविधान नहीं सीरिया का कानून चलता था? क्या पटगा महाराष्ट्र का हिस्सा ना होकर अलशाम हो गया था? अलशाम का मतलब समझाएं, उससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिरकार ये सवाल कहां से आए। देश भर में एनआईए ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक साथ 44 लोकेशन पर रेड हुई। महाराष्ट्र के पटगा, बोरीवली, ठाणे, मीरा रोड, पुणे में छापेमारी की गई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी एनआईए का एक्शन दिखा। 9 दिसंबर के इस ऑपरेशन में एनआईए को सबसे बड़ी सफलता महाराष्ट्र के पटगा से मिली। एनआईए की टीम ने आईसिस का मॉड्यूल तो बस्ट किया, पटगा से एक साथ 15 आतंकी भी गिरफ्तार हुए। इन आतंकियों के नाम और पहचान का काम पूरा हो गया। सोर्सेस से मिले इनपुट के मुताबिक इन 15 आतंकियों के नाम साकिब अब्दुल हबीर नचान, हसीब जुबैर मुल्ला, कासिफ अब्दुल सत्तार, सैफ अतीक नचान, रिहान अशफाक, सागर शफीक दिवाकर, फिरोज दस्तगैर कुवारी, आदिल इलियास खोट, मुसैब हसीब मुल्ला, राफिल अब्दुल लतीफ नचान, याहिया रवीश खोट, राजील अब्दुल लतीफ नचान, फरहान अंसार, मुक्शील मकबूल नचान, मुंजीर अबू बकर हैं। पटगा से एनआईए के शिकंजे में फंसे आतंकियों ने खुलासा किया कि देश में एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे। इसके लिए पटगा को उन्होंने अपना बेस बनाया था। महाराष्ट्र के इसी पटगा गांव में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवाओं को भड़काया जा रहा था। उन्हें देश भर से इकट्ठा करके पटगा लाया जा रहा था और यहीं पर आईसिस के जिहादी और नफरती एजेंडे का पाठ पढ़ाया जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात जो एनआईए से पता चली है इस रेड्स में जो है वो ये जो पटगा इलाका है, इस इलाके को जो है वो अपना बेस बनाने वाले थे। उसी के साथ साथ उन्होंने अपने सारे लोगों को जो इसमें शामिल होते हैं उसमें ठाणे के ये जो पटगा गांव है वहां पे उन्होंने लिबरेटेड जोन कह के इसको बताया था और इसको अल शाम करके इन्होंने जो है इस एरिया को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था अपने आप से। उसी के साथ साथ मुस्लिम यूथ जो है जो उनको उन्होंने कहा था कि इन ये लोकेशन पे आप रिलोकेट हो जाओ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पुणे का जो आईसिस मॉड्यूल था जहाँ पे बहुत सारे जगहों पे उन्होंने प्लानिंग किया था। अब आप सोचिए कि चुपचाप एक गांव की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा था। हिंदुओं को भगाने का प्लान बन रहा था, मुसलमानों को पटगा में बसाया जा रहा था। पटगा को तो ये आतंकी अब आपस में अल शाम कहने लगे थे। अब यहाँ अल शाम को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक शब्द से आईसिस की नापाक साजिश की पूरी स्क्रिप्ट आप समझ जाएंगे। अल शाम का मतलब होता है ग्रेटर सीरिया आजाद क्षेत्र। आईसिस के आतंकियों ने ठाणे के पटगा गांव को आजाद भी घोषित कर दिया था। आपस की बातचीत में अल शाम के साथ ये इसे द लिवेंट कहकर भी पुकारने लगे थे। मतलब ये गांव भारत में, लेकिन बना दिया था उसे अल शाम। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पटगा का है। आज पटगा में प्रेस की एंट्री बंद है, वहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। गांव के एंट्री गेट पर पहरा लगा है, लेकिन ये वीडियो उस वक्त का है जब एनआईए ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस वीडियो में आपको पुलिस भी नजर आएगी और एक मंदिर भी। अभी यहाँ हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी। लेकिन आईसिस के आतंकियों का प्लान था पटगा पर कब्जे का। वो चाहते थे कि पटगा में मुसलमानों को बसाकर पूरी तरह से कंट्रोल कर लें और फिर एक दिन ऐलान करें कि पटगा में हिंदुस्तान का कानून और संविधान मान्य नहीं होगा, यहाँ सीरिया का कानून चलेगा, पटगा में आईसिस की हुकूमत चलेगी। आतंकी पटगा को बेस बनाकर देश भर में टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए वो मुंबई समेत देश के अलग अलग इम्पोर्टेंट लोकेशन की रेकी कर रहे थे। पटगा में ही ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग भी चल रही थी। ड्रोन हैंडल करना और ड्रोन से भीड़भाड़ वाले इलाके को टारगेट करना सिखाया जा रहा था। एनआईए ने जब पटगा में आतंकियों के बेस में छापेमारी की तो इनके पास से 68 लाख कैश, एक पिस्टल, 2 एयरगन, 8 तलवार, 2 लैपटॉप, 6 हार्ड डिस्क, 3 सीडी, 38 मोबाइल फोन, 10 किताबें भी बरामद हुई। इसके साथ साथ एनआईए ने आतंकियों के पास 51 हमास के झंडे भी जब्त किए हैं। एनआईए की रेड में अरेस्ट सभी आतंकी महाराष्ट्र के ठाणे के हैं। ये सारे के सारे आतंकी आईसिस के महाराष्ट्र मॉड्यूल के मेंबर हैं। ये पटगा और बोरीवली से ऑपरेट कर रहे थे। इनके आका हिंदुस्तान से बाहर विदेशों में बैठे हैं, जो विदेश से फंडिंग करके जिहादी सेना तैयार कर रहे हैं। ये आतंकी विदेश में बैठे अपने इन्हीं आकाओं के ऑर्डर को फॉलो करते हैं।
आईसिस के इस मॉड्यूल का मोटिव था भारत के खिलाफ आईसिस वाली खिलाफत, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की तैयारी, हिंदुस्तान के खिलाफ जिहादी साजिश को अंजाम देना, भारत में आईसिस और टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाना, आईसिस के इशारे पर देश का मूड और माहौल बिगाड़ना। इसके लिए मजहब के नाम पर मुस्लिम युवाओं को बरगलाया जाता है, पहले जिहाद के नाम पर तो अब अल शाम के लिए आतंकी हमले का प्लान बनाया गया था, लेकिन एनआईए ने आईसिस की इस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। आईसिस के आतंकी मॉड्यूल में आका और आतंकियों के बीच होता है एक हैंडलर जो हिंदुस्तान में रहता है, आतंकियों के रिक्रूटमेंट और उनकी ट्रेनिंग की पूरी जिम्मेदारी संभालता है। महाराष्ट्र से गिरफ्तार इन आतंकियों का सरगना है साकिब अब्दुल हमीद नचान, ये अपने नाम और पहचान बदलता रहता है। एनआईए की जानकारी के मुताबिक ये बार बार नाम बदलता रहता है, साकिब, रवीश, खालिद, ये सारे इसी एक चेहरे के नाम हैं। साकिब अब्दुल हमीद नचान मूल रूप से ठाणे के बोरीवली का रहने वाला है। नचान की फैमिली में बीवी और उसके तीन बच्चे हैं, इसमें दो बेटे और एक बेटी शामिल है। साकिब प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का सचिव भी रह चुका है। साकिब का कनेक्शन भगौड़े आतंकी जाकिर नाइक से भी है, वो युवाओं को जिहाद के नाम पर उकसाता था और खलीफा का राज लाने के लिए बैयत दिलवाता था। बैयत के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है कसम। साकिब जो बैयत मुस्लिम युवाओं को दिलाता था उसका मतलब था आईसिस के खलीफा के लिए वफादारी की शपथ। साकिब के गुनाहों की फेरिस्त लंबी है, कोई दूसरा साकिब ना बने इसके लिए एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।